आप सभी को जय मसीह की। आज की आराधना सभा में आप सबको मैं स्वागत करती हूँ। ये विश्वास करती हूँ और दुआ करती हूँ कि प्रभु आज की आराधना आप सब के लिए एक आशीष का कारण बनाए। आइए आज की आराधना को हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके सम्मुख हम बड़े दीनता और नम्रता के साथ हम आते हैं और हम दुआ करते हैं प्रभु जी, आज की आराधना सभा हम सभी के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। प्रभु, हमारे जीवन में जितनी भी कमियां हैं, गलतियां हैं, प्रभु आप हमें माफ़ कीजिए। आपके पवित्र लहू से आप हमें धोकर शुद्ध कीजिए। प्रभु, जब हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर पिता, आपके सामने वो ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु, हर एक गीत जो हम गाते हैं, हर एक वचन से जो बोला जाता है, हम सभी के लिए वो एक आशीष का कारण बन जाए। सारी बातों का नियंत्रण आप ही लेना प्रभु जी, और जितने भाई बहन इसमें जुड़े हैं सभी को आप आशीष से भर देना। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु की आराधना करेंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर हम भजन संहिता 149 को हम साथ में पढ़ेंगे। आप अपने घरों में बाइबल्स खोल सकते हैं, भजन संहिता 149। मैं यहां से पढ़ती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। भजन 149। या की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वो नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहे, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की भेड़ियों से जकड़ रखे और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यह की स्तुति करो। मैं एक और बार उसके पहले 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसके भजन गाएं। इस भजन में लिखा है कि हमें आनंदित होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। प्रभु के लोग परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर महान है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर यहोवा ईरे है, प्रधान करने वाला परमेश्वर है। यहोवा राफा है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। यहोवा निस्सी है, जय देने वाला परमेश्वर है। आइए इस परमेश्वर का जय जयकार इन गीतों के साथ हम मिलकर करें। आप सभी को जय मसीह की। हम आज की आराधना में शामिल हो और परमेश्वर की आराधना करें। कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। मिलकर कहे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जी जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा, चंगाई देने वाला, चंगा करता, हाथों से छूकर आतू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा, चंगाई देने वाला, चंगा करता, हाथों से छूकर आतू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से,
एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, छुटकारा यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक मैं गाऊं उसका भजन। मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक मैं गाऊं उसका भजन। प्रभु की सेवा करूं जब तक मुझ में जान, प्रभु की सेवा करूं जब तक मुझ में जान, चाहे सारी दुनिया करे मेरा अपमान। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जी जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जी जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे। We worship you Lord, hallelujah, hallelujah. परमेश्वर सच में प्रभु तू महान है खुदावंद, हालेलुया। परमेश्वर तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ है, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद स्तुति गाते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम मिलकर तेरी होसना गाना चाहते हैं, प्रभु आप हमारी मदद कीजिएगा राजा, हालेलुया। We worship you Lord, we worship you Lord, hallelujah. धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की, स्तुति गाए हालेलुया, स्तुति गाए हम अपने प्रभु की, स्तुति गाए। अच्छा है भला है मेरे यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है भला है मेरे यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु, स्तुति गाए हालेलुया, स्तुति गाए हम अपने बाधाई हो अगुवाई यीशु करेगा। गरीबों जैसी बाधाई हो
अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। धन्य वस्तुति गाए हम अपने मिलकर कहे हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लाल समुंदर जैसी आजमाइश हो यीशु तेरे आगे चलेगा। मिलकर कहे लाल समुंदर जैसी आजमाइश हो यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम समुंदर में रास्ते खोलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम समुंदर में रास्ते खोलेंगे। धन्य वस्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है भला है मेरे यीशु अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है भला है मेरे यीशु अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। धन्य वस्तुति गाए हम अपने की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्राणों और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो। शरीर प्राणों और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। धन्य वस्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। मिलकर कहे धन्य वस्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। We worship you Lord, hallelujah. धन्यवाद राजा hallelujah. We worship you Lord, hallelujah. प्रभु यीशुआ मुझ में प्रभु यीशुआ मुझ में हो
पवित्र आत्मा आ प्रभु येशुआ मुझ में हो तेरी महिमा दिल से पुकारे आ प्रभु येशुआ मुझ में हो तेरी महिमा मुझ में हो तेरी महिमा सच में प्रभु जी अभी जिस प्रकार परमेश्वर पिता हमने गाया प्रभु हमारे इस दिल में आ पाए राजा हालेलुया प्रभु तेरी आराधना हम करते हैं प्रभु स्वागत पवित्र आत्मा आगे का समय तेरे हाथों में समर्पित करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं आमेन आमेन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। और हम विश्वास करते हैं कि आप लोग ठीक हैं। हम लोग बहुत ही सुंदर भजन को पढ़े और उसके साथ हमने गीतों के द्वारा परमेश्वर का आराधना किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी आराधना हमारी परमेश्वर के सन्मुख गीतों को गाना जिस भी तरीके से हम लोग कर रहे हैं अगर पूरे मन से हैं शुद्ध मन से हैं तो परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा और परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान जब हम चढ़ाते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों के साथ वाचा बांधता है। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है। परमेश्वर अपने मार्ग में हमें चलाता है। हम विश्वास करते आने वाले दिनों में परमेश्वर हम सबको अपने मार्ग में चलाए। आए आज के वचन में जाने से पहले एक क्षण हम प्रार्थना करें। हमारी आँखों को बंद कर कर हम परमेश्वर से कहें कि पवित्र आत्मा आप हमसे बात करें। मनुष्य की आवाज़ बहुत हमने सुन लिया है टीवी में रेडियो में सोशल मीडिया में हमारे रिश्तेदारों में हमारे लोग जो घर आते हैं ऑफिस में यूट्यूब के माध्यम से हम बहुत आवाज़ों को सुनते हैं लेकिन आज ज़रूरी यह है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने उसकी महान शब्द को हम सुने। हालेलुया हालेलुया। उसका आवाज़ उसके शब्द के द्वारा उसने सारी सृष्टि को बनाया। आज उसी शब्द के द्वारा मेरे अंदर और आपके अंदर एक नए हृदय को परमेश्वर बनाने पाए मेरे अंदर और आपके अंदर एक नया उम्मीद को पैदा करने पाए मेरे अंदर और आपके अंदर एक नई आशा को उत्पन्न करने पाए उसकी आवाज़ उसका शब्द हालेलुया आज गूंजने पाए एक और बार। धन्यवाद हो स्वर्ग पिता। पवित्र आत्मा को हम निमंत्रण देते हैं कि आए और हमें सिखाए। परमेश्वर पिता हमें हमारी अगुवाई कर हमें अपना वचन बता दे अपने प्रकाश में हमें चला हमारे अंदर से अंधेरे को निकाल दे और हमें ज्योति से भर दे हमें पवित्रताई दे जो आप चाहते हैं। परमेश्वर पिता होने पाए कि आज का वचन हमें हिम्मत और हौसला दे। परमेश्वर धन्यवाद। आगे के समय आपके हाथों में समर्पण करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं आमेन आमेन आमेन। एक और बार प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। हम लोग व्यवस्था विवरण उसकी पहली अध्याय और उसकी छठवीं आयत से एक भाग को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 1 फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स 6 एंड 7 इनफैक्ट। व्यवस्था विवरण पहली अध्याय और उसकी छठवीं आयत और उसकी सातवीं आयत की पहली भाग मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे होरेब में ये कहा था तुम्हें इस पर्वत के पास रहते हुए बहुत दिन हो चुके हैं अतः अब उठकर यात्रा आरंभ करो। वापस मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे होरेब में यह कहा था तुम्हें इस पर्वत के पास रहते हुए बहुत दिन हो चुके हैं अतः अब उठकर यात्रा आरंभ करो। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो चाहता है कि हम हमारे स्थान में या फिर जिस जगह में हम बने हैं रहते हैं टिके रहते हैं वहाँ से हम आगे बढ़े। इसराइलियों एक पर्वत पर बसकर काफ़ी समय हो चुका था। वे लोग एक ही जगह में रहकर वहाँ पर मानो ऐसा बसना शुरू कर दिया या फिर अपने
अपना भरोसा उस पर्वत के ऊपर, अपनी उम्मीद उस स्थान के ऊपर रखना शुरू कर दिया कि वे उस गंतव्य को या फिर उस लक्ष्य को भूल गए जिस कारण परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से बाहर लाया था। इसलिए परमेश्वर का दास मूसा को परमेश्वर ने कहा कि बहुत समय हो गया कि तुम इस पर्वत पर रह चुके हैं, अब यहाँ से तुम कूच करो, यहाँ से तुम निकल जाओ, क्योंकि यह नहीं है तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा लक्ष्य अभी काफ़ी आगे हैं। आज परमेश्वर भी हमें इसी प्रकार का हौसला देना चाहता है कि हम काफ़ी समय से एक ही स्तर में, एक ही आत्मिक स्तर में, एक ही भौतिक स्तर में, एक ही जगह पर रुककर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि आशीष परमेश्वर दूसरे एक स्थान पर हमारे लिए रखा है। हमारा लक्ष्य यहाँ नहीं, हमारा लक्ष्य आगे है। हमें यात्रा कर लक्ष्य में पहुँचना है, हमें यात्रा कर वहाँ पहुँचना है जहाँ परमेश्वर हमें पहुँचाना चाहता है। लेकिन जीवन की कई हालातें, जीवन की कई परिस्थिति ऐसे हो जाते हैं कि हम लोग एक ही जगह पे टिके रहता है। वी आर कॉल्ड बाई गॉड टू मूव ऑन। परमेश्वर हमें दिशा दे रहा है, अगुवाई दे रहा है, और परमेश्वर चाहता है हम आगे बढ़े। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े? Why does he want us to move on? इसलिए ताकि हम लक्ष्य में पहुँचे, हम परमेश्वर चाहने वाला उस गंतव्य पे पहुँचे। पहली कुरंतियों 9 अध्याय उसका 24 से 27 का पद आपके सामने पढ़ा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट कुरंतियंस चैप्टर 9 24-27। पहला कुरंतियों 9 अध्याय 24 से 27 ध्यान से सुनिएगा। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य ही नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। पौलुस एक मसीही दौड़ के बारे में यहाँ पर कह रहा है, और इस मसीही दौड़ में एक लक्ष्य है, इस मसीही दौड़ में एक मुकुट है, इस मसीही दौड़ में एक प्रशिक्षण है, इस मसीही दौड़ में एक त्यागपूर्ण जीवन है। चार बातें मैंने यहां पर आपको बताया। पौलुस व्यर्थ में नहीं दौड़ रहा है, पौलुस व्यर्थ में यीशु के पीछे नहीं आया। मैं आप सब अजीजों से पूछना चाहता हूं, क्या हमने चंद पैसों के लिए यीशु को ग्रहण किया? क्या हमने एक घर बनाने के लिए यीशु को ग्रहण किया? क्या हमने एक नौकरी पाने के लिए इशू को ग्रहण किया? क्या आपकी आपके बच्चों की शादी होने हो जाने के लिए, उसमें कामयाबी मिलने के लिए हमने इशू को ग्रहण किया? क्या हम मतलबी होकर यीशु मसीह को ग्रहण किया, जैसा दुनिया आज पुकार पुकार कर मसीहों पर आरोप लगा रहे हैं कि पैसों का प्रलोभन से या अन्य वस्तुओं के प्रलोभन से या धमका कर या झूठी बातों को बोलकर ये लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, क्या इसलिए हमने इशू को ग्रहण किया? नहीं, यीशु मसीह को इसलिए हमने ग्रहण नहीं किया क्योंकि संसार के कुछ वस्तुओं को पाकर हमें वहाँ पर आरामदायक का जीवन बिताना था। लेकिन हमारा यीशु मसीह को ग्रहण करने का मुख्य वजह उद्धार जरूर था, पापों की क्षमा जरूर था, लेकिन उसका लक्ष्य अनंत जीवन है, उसका लक्ष्य जीवन का मुकुट है, द क्राउन ऑफ लाइफ। उसका लक्ष्य परमेश्वर को एक दिन आमने सामने हम देख पाएंगे। आज हम अदृश्य परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन एक दिन हम आमने सामने उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। दैट इज अवर गोल, वो हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमें आगे बढ़ना है, कूच करना है, इस स्थान पर, इस प्रकार की आत्मिक जीवन पर, इस प्रकार की आत्मिक भूख और प्यास होने से हम उस लक्ष्य में नहीं पहुंच सकते हैं।
बहुत सारी सांसारिकता हमारे अंदर बस गया है, बहुत सारे दीमक, संसार का दीमक हमें लग गया है। हम एक ही जगह में बैठकर, मुझे नौकरी मिल गई, मेरी शादी हो गई, या फिर मेरे बच्चे हो गए, या फिर मुझे चंगाई मिल गया बोलकर हम स्थगित हो गए हैं। परमेश्वर कहता है उस पहाड़ से उठो और कूच करो, क्योंकि यह तुम्हारा मुकाम नहीं था, मुकाम बहुत दूर है। हालेलुया। दुख के साथ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत मसीही लोग अपने आशीषों को मुकाम समझकर, लक्ष्य समझकर वहीं पर स्थगित हो जाते हैं, जबकि परमेश्वर चाहता है कि वो इस विश्वास की यात्रा में और आगे बढ़े। हालेलुया। इस विश्वास की यात्रा में मेरे प्यारों, इसलिए मुझे आगे बढ़ना है क्योंकि मेरा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए एक दौड़ मुझे दौड़ना ज़रूरी है। एक मुकुट है, उस मुकुट को पाने के लिए मुझे आगे बढ़ना ज़रूरी है, मुझे प्रशिक्षित रहना ज़रूरी है, मुझे त्यागपूर्ण जीवन जीना ज़रूरी है। हालेलुया। दूसरी बात, क्यों मुझे आगे बढ़ना है? मुझे इसलिए आगे बढ़ना है क्योंकि मसीही जीवन एक बैठने का स्थान नहीं, एक यात्रा है। और कैसी यात्रा है? ये क्रूस को उठाकर चलने वाली एक यात्रा है। दिस इज द वे ऑफ द क्रॉस। लुका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसके 23वें पद में क्या लिखा है, आपके सामने पढ़ा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? स्वयं को इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे, यानी मेरे पीछे चले आए। हालेलुया। क्रूस उठाकर चलना, उसका मतलब क्या है? क्रूस उठाकर चलना यानी इस दुख भरा जीवन, इस क्लेश भरा जीवन, या फिर वो जीवन जिसमें हर दिन यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करना, आपकी आशीष के समय में, आपके रोने के समय में, आपके उल्लास के समय में, आपके विलाप के समय में, आपके नृत्य के समय में, आपके एक जगह बैठने के समय में, हर समय क्रूस हमारे निशान बनना चाहिए, फिर क्रूस हमारे कंधे पर दिखना चाहिए। The cross should be on our shoulders. लोग जब हमें देखे तो क्रूस उठाया हुआ प्रभु के दास को देखने पाए, क्रूस उठाया हुआ प्रभु को, प्रभु के दासी को देखने पाए। अनुसरण करना, यीशु मसीह अपने पीछे चलने वालों को बुलाकर बोला, मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। कुछ लोग यीशु मसीह के पीछे आए और उनको बोले कि हम आपके पीछे आना चाहते हैं, उनको यीशु ने मना किया, क्योंकि ये दुख का मार्ग है, इसमें बहुत निंदा और परिहास को झेलना पड़ेगा, इसमें बहुत क्लेश और दुख को उठाना पड़ेगा। एक समझौता वाला जीवन बहुत आसान है मेरे प्रिय अजीजों, लेकिन एक ऐसा जीवन जहां कहना मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, वो कठिन और कठोर जीवन है। हालेलुया। क्यों उठकर कूच करना है? क्योंकि उसके क्रूस को उठाकर चलना है। वी हैव टू कैरी हिज क्रॉस। यीशु मसीह क्रूस उठाकर आगे बढ़ा, इस कारण मानव जात के लिए पाप के बलिदान के रूप में वो क्रूसित किया गया। मेरा और आपका क्रूस का यात्रा जारी रहे, मेरा और आपका क्रूस का यात्रा एक पर्वत पर आकर स्थगित ना हो जाए, वहां पर रह ना जाए। मेरा और आपकी क्रूस की यात्रा के कारण, या फिर क्रूस उठाकर आगे बढ़ने के कारण बहुतों का उद्धार हो सकता है, बहुतों का मुक्ति हो सकता है, बहुतों की चंगाई हो सकती है, लेकिन तब जब हम प्रतिदिन क्रूस उठाकर चले, अपने आप को इनकार कर कर यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए यीशु मसीह कह रहा है। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री में 3 अध्याय और उसकी 7 और 8 में पौलुस क्या कहता है, मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7 और 8, फिलिपियंस 3:7-8। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। क्रूस उठाने के कारण कई सारी बातें जो पौलुस के लिए लाभ था, what was profit for Paul, he considered it as loss, उसने उसको हानि समझा। क्यों? क्योंकि खांदे पर एक क्रूस था। जब उसके खांदे पर उसके अभिमान के लायक
कुछ ऐसी बातें थी, उसका जात की बातें, उसकी पढ़ाई की बातें, उसका खुल की बातें, उसकी होशियारी की बातें, जब वो खांदे पर उठाकर चल रहा था तो पौलुस को सब प्रणाम करते थे, सब उसके रास्ते से हट जाते थे, सब उसके लिए रेड कारपेट बिछाते थे। लेकिन पौलुस ने क्या किया, अपने खांदे पर रखा हुआ इन ऐसे चीज़ों को जो संसार स्वीकृति देता है उसको उठाकर फेंकता है और अपने खांदे पर मसीह का क्रूस को रखता है। उसने जो कुछ लाभ का था उसको हानि समझा। आठवीं आयत जरा पढ़ेंगे है, पौलुस क्या कहता है, 8:3-8। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। क्यों हानि समझ रहा है? मसीह यीशु का पहचान का उत्तमता के कारण बाकी सबको हानि समझाता है, समझता है। इसमें पैसे नहीं, धन दौलत नहीं, सोना चांदी नहीं, ऐसा कोई भी सांसारिक नाशमान चीज़ों का जिक्र पौलुस नहीं करता, कहता है लेकिन मसीह में पहचाना जाने के लिए, मसीह में अपनी आइडेंटिटी को प्राप्त करने के लिए, मसीह के साथ चलने के लिए, मसीह के अनुरूप बनने के लिए, मसीह के स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए उसने लाभ की बातों को हानि समझा और क्रूस को अपने खांदे पर रखा। पौलुस को वाह वाह ही नहीं मिला जब उसने क्रूस अपने खांदे पर रखा, लेकिन पौलुस बहुत दुख झेला, बहुत सताव झेला। सताए जाने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा दिल आपके साथ रोता है, लेकिन बोलूं आपको कि क्रूस उठाकर चले, यीशु मसीह को लोगों ने सताया तो मुझे और आपको भी लोग सताएंगे। हमको सताव के मार्ग में जाना है, लेकिन बात यह है जितना समय तक क्रूस हमारे खांदे पर है और हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन प्रतिदिन मसीह के अनुरूप या मसीह के स्वभाव के अनुसार हम परिवर्तित होते जा रहे हैं। हालेलुया। क्रूस रखा हुआ एक व्यक्ति कभी संसार के अनुरूप नहीं बन सकता, क्रूस अपने खांदे पर रखा हुआ व्यक्ति हमेशा मसीह के अनुरूप ही बन सकता है। हालेलुया। तीसरी बात, क्यों पौलुस, क्यों परमेश्वर हमें आगे बढ़ने को कहता, वाई इज ही टेलिंग अस टू मूव अहेड, क्यों परमेश्वर का दास मूसा इज़राइलियों को बोला वहां से आगे जाओ, आगे बढ़ो। अगर आप एक हवाई जहाज की हवाई जहाज के बारे में सोचें, जब हवाई जहाज टेक ऑफ होता है कितना सुंदर दिखता है वो एयरपोर्ट, जहां इतने सारे प्लेन खड़े हैं और इतने सारे चीज़ों को हम देख सकते हैं, इतने सारे लाइट्स दिखते हैं, इतने सारे इमारत दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन अगर वो हवाई जहाज में ही बोलने की शक्ति होता तो वो कहता, बहुत सुंदर दिखता है रोड में चलना, लेकिन जैसे ही हवा में उठने लगे तो हर दिन हर समय एक एक नया अनुभव को हवाई जहाज को झेलना पड़ता है। कभी बहुत आंधी तूफान के बीच में से जाना पड़ेगा, टर्बुलेंस के बीच में से जाना पड़ेगा, कभी बहुत प्रकार की बहुत बारिश के बीच में से होकर जाना पड़ेगा, एयर प्रेशर्स अलग अलग होंगे, हर एक फीट उठते उठते प्रेशर बढ़ते जा रहा है। इस हवाई जहाज को कितना प्रेशर उठाना पड़ता है या फिर कितना अपने आप को हवा में रखने के लिए कितना जोखिम उठाना पड़ता है। हवाई जहाज तो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ एक चीज़ है, लेकिन मैंने इसका उदाहरण इसलिए इस्तेमाल किया कि हर एक घड़ी हवाई जहाज का अनुभव विभिन्न है। एक्सपीरियंसेस फॉर अ फ्लाइट फॉर अ प्लेन इज डिफरेंट एवरी डे एवरी मोमेंट, नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड, किसी का भी मीन्स अनुमान लगाया नहीं जा सकता कि ये आज होगा, हर बार नया अनुभव। हालेलुया। आगे बढ़ने से, मसीही जीवन में आगे बढ़ने से हमारे जीवन में परमेश्वर नया नया अनुभव लेकर आएगा। गॉड विल गिव यू न्यूअर एक्सपीरियंसेस। हालेलुया। बाइबल में एक आयत इस प्रकार लिखा है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, चख कर जानो कि यहोवा कितना भला है। हालेलुया। जैसे ही जीवन के सफर में हम आगे बढ़ते हैं, क्राइस्ट विल रिवील हिमसेल्फ टू यू इन अ न्यूअर वे, मसीह आपको एक नए तरीके से अपने आप को प्रकट कर देगा। एक जब एक सीजन के लिए एक 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 समय के लिए परमेश्वर चंगा देने वाला आपके लिए बनेगा, दूसरा सीजन में परमेश्वर आपको सांत्वना देने वाला बनेगा, तीसरा
तीसरा सीजन में परमेश्वर आपका घावों को बांधने वाला बनेगा। चौथा सीजन में परमेश्वर आपके लिए एक अगुवाई करने वाला बनेगा। उसके बाद आप अनुभव करोगे कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। आप अनुभव करोगे कि मेरा परमेश्वर जैसा पिता अपने बच्चों पर देकर तरस खाता है, वैसे मेरे लिए तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक सीजन में, हर एक साल में, हर एक महीने में, इवन इतना तक भी हर एक दिन में परमेश्वर के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, हम परमेश्वर को नए तरीके से पहचानने की कोशिश कर पाएंगे। हालेलुया। फिर पहचान पाएंगे हम, वी वुड एक्सपीरियंस जीसस। कल तक हम सोचते थे परमेश्वर आनंद देने वाला है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के समय हमें मालूम पड़ा हमारी बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर दुखों को भी भेजकर हमें आगे बढ़ाता है। हालेलुया। एक्सपीरियंसिंग जीसस इन न्यूमरस वेज। जैसे आपने यीशु को अनुभव किया है, मैंने अपने यीशु को अनुभव नहीं किया, मैंने अपने यीशु को एक अलग तरीके से अनुभव किया। मैं आज यीशु के बारे में बोलूंगा तो एक अलग नजरिया है। आप यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे तो वो एक अलग अनुभव वाला नजरिया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हर एक को अलग अलग प्रकार में चलाता है। हालेलुया। भारत की जनसंख्या में 130 करोड़ में आप एक संख्या हो, लेकिन यीशु मसीह के नज़र में आप 130 करोड़ में उसके स्वरूप में बनाए गए एक इंसान हो। हालेलुया। यू आर नॉट ए नंबर इन हिज साइट, यू आर अ प्रेशियस चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर हिज सन, हिज डॉटर इन हिज साइट। यू आर फियरफुली एंड वंडरफुली मेड। परमेश्वर ने आपको भयानक और अद्भुत रीति में बनाया है। आप एक गिनती नहीं हो, 130 करोड़ के संख्या में एक नंबर नहीं हो आप, लेकिन आप परमेश्वर के हो। यू बिलोंग टू गॉड। इसलिए जब आप प्रभु के साथ चलते हैं तो कभी वो चरवाहे के रूप में आपको अपना परिचय देता है, कभी परमेश्वर आपको यहोवा निसी के रूप में आपको परिचय देता है, कभी परमेश्वर आपको यहोवा यीरे के रूप में आपको परिचय देता है, यहोवा राफा के रूप में परिचय देता है, रोही यल रोही के रूप में आपको परिचय देता है। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता इसलिए है ताकि जीवन के अलग अलग अनुभव में आप यीशु मसीह को पहचानने लग जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? तरह तरह के उत्तर मिला। पत्रस से पूछा कि तुम क्या कहते हो मैं कौन हूँ? उसने ये नहीं कहा कि तुम एक बड़े के बेटे हो, उसने ये नहीं कहा कि तुम दान करता हो, तुम देने वाले हो, तुम उद्धार करता हो, उसने ये कहा तुम मसीहा हो। यू आर द मसाया, द सन ऑफ द लिविंग गॉड। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, मांस और लहू ने तुझे ये प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता ने ये रेवलेशन, ये प्रकाशन तेरे जीवन में दिया। जब आप आगे बढ़ोगे, जीवन के अलग अलग अनुभव से होकर जाओगे, आपको परमेश्वर का नया नया प्रकाशन मिलता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखे दूसरी कोरिन्थियों 12 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में पौलुस क्या कहता है। 2 Corinthians 12:10 पौलुस का अनुभव जरा देखिएगा। या इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। पौलुस का अनुभव देखिएगा। पौलुस को कौन से अनुभव हुआ है जीवन में? पौलुस के जीवन में अपमान सहना पड़ा, निर्बलताओं में से होकर जाना पड़ा, दुखों को झेलना पड़ा, सताव को झेलना पड़ा, कठिनाइयों को झेलना पड़ा। और ये पौलुस कहता है, जब मैं इन चीज़ों से निर्बल हो जाता हूँ तब मैं अधिक ताकतवर हूँ, मैं सामर्थ्य हूँ। कौन कह सकता है कि वो जब बीमार पड़ता है या दुखों से होकर जाता है, जब सताव होता है, तब उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है? इनफैक्ट लोग कहते हैं, मेरा शरीर भी टूट गया, मेरा मन भी टूट गया। पौलुस का अनुभव देखिएगा। पौलुस अपने जीवन, मसीही जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते उस परमेश्वर को पहचाना जिसने कमजोरी में उसको ताकत देना शुरू किया। क्यों पौलुस कहता है, पौलुस का ऐसा एक अलग अनुभव क्यों है?
क्या यह अनुभव हमारा भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन जरा सोच कर देखिए पौलुस क्यों कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी सामर्थ्य होता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कैसे पौलुस के जीवन में ये अनुभव आया। पौलुस जब निर्बल था तो उसने अधिक परमेश्वर पर भरोसा रखा, जब वो कमजोर था तो उसने परमेश्वर का स्पर्श को अपने जीवन में मांगा, जब वो दिशा रहित था तो परमेश्वर की आवाज को उसने परमेश्वर से मांगा। तो जब वो कमजोर था उसने परमेश्वर के स्पर्श को अनुभव किया, परमेश्वर पर लीन रहा, डिपेंडेंट रहा, परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर के स्पर्श को अनुभव किया, डिपेंडेंट रहा, परमेश्वर की गाइडेंस को पाया। और इसलिए जब वो निर्बल था उन्होंने परमेश्वर से पाया हुआ इन बातों के कारण अब वो ताकतवर है। हालेलुया। मुझे नहीं पता कितना आपको ये बात को समझ में आता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जब हम आत्मिक जीवन में सबसे ज्यादा निर्बल है, शरीर में निर्बल है, मन में निर्बल है, हम परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, वो जब सहायता प्रदान करते हैं तो हम खड़े होकर कहते हैं मेरी निर्बलताओं में परमेश्वर ने मेरी सहायता किया इसलिए मुझे ताकत मिला। तो उसका मतलब क्या हुआ? मेरी निर्बलता के कारण मैं ताकतवर हो गया। उसका मतलब क्या हुआ? जब मैं निर्बल था तब मैं सबसे ज़्यादा सामर्थ्य था। हालेलुया। क्योंकि उस समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे छू रहा था। तो मेरा बोलने का तात्पर्य, हमें कूच करना चाहिए, हमें स्थगित नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर विभिन्न अनुभवों से हमें लेकर जाना चाहेगा। जो एक जगह बैठना चाहेगा वो कभी भी लक्ष्य पहुंच नहीं पाएगा, ना जीवन में कोई अनुभव को अनुभव कर पाएगा। चौथी बात, क्यों हमें कूच करना चाहिए, क्यों हमें आगे बढ़ना चाहिए, एक जगह पे टिके नहीं रहना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको एक विजेता बनाना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू मेक यू एंड मी अ विक्टर, एक ऐसा व्यक्ति जो जय पाए। हालेलुया। हम तरह तरह बातों के कारण डूब गए होंगे, समस्याओं में, दिक्कतों में, परेशानियों में हम डूब गए होंगे, उदास हो गए होंगे, हमें आगे बढ़ने का कोई एनकरेजमेंट नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। हम इसी प्रकार सोच रहे होंगे, हम तो इसी में बैठकर मर जाएंगे, इसी में बैठकर हमारा जीवन खत्म हो जाए, वी विल एंड आवर लाइफ इन दिस सिचुएशन, हम ऐसा सोच कर बैठे होंगे। ऐसा ही सोच कर बैठा हुआ एक जवान की कहानी मैं आपके आगे जल्दी से रखूँ। न्यायियों का किताब 6वीं अध्याय, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6:11-12। न्यायियों की किताब 6वीं अध्याय उसका 11 और 12 आयत में क्या लिखा है जरा देखें। यस। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाकरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। एक कुंड में बैठकर, अर्थात दाक के कुंड में बैठकर गिदोन नामक ये जवान व्यक्ति दाकरस के कुंड में बैठकर मिद्यानियों से छिपाकर, कौन है ये मिद्यानी? चोरी करने वाले लोग, नाश करने वाले लोग, इसराइलियों के ऊपर हानि पहुंचाने वाले लोग, लेकिन उनकी आंखों से बचाकर कुछ गेहूं अपने परिवार के लिए बचा रहा था। और वहां पर परमेश्वर का दूत दर्शन देकर क्या कहता है? हे शूरवीर योद्धा, यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया। माइटी वॉरियर, द लॉर्ड इज विथ यू। क्यों कहता है परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि गिदोन एक पराजय की सिचुएशन में बैठे। परमेश्वर ऐसे जवानों को चाहता है जो खड़े हो जाए अपने पैरों पर और विजेता बन जाए, विक्टोरियस बन जाए। परमेश्वर पराजय देने वाला परमेश्वर नहीं, पराजय को भी जय में बदलने वाला परमेश्वर है। गॉड टर्न्स योर फेलियर्स इनटू विक्ट्रीज इफ यू ट्रस्ट इन हिम।
यदि आप पाप के दलदल में आज बैठे हो, निराशा के दलदल में बैठे हो, कर्ज के बोझ में दबकर बैठे हो, आपका जीवन हताश हो गया है और आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहा है, भविष्यवाणी के रूप में मैं कहूं, हे शूरवीर सुरमा, हे ब्रदर, हे सिस्टर, परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए उठो, उस पराजय से उठो, वहां से निकलो, बाहर आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको एक फेलियर नहीं देखता, परमेश्वर आपके अंदर एक शूरता को, एक वीरता को देख रहा है। He sees a warrior in you. क्या आप विश्वास करोगे? इसलिए परमेश्वर कह रहा है, आगे बढ़ो, move on ahead, because पराजय से तुम्हारा आइडेंटिटी नहीं बनेगा, जय से तुम्हारा आइडेंटिटी बनेगा। हम जयवंत से भी बढ़कर है करके पौलुस कहता है, वी आर मोर देन कॉन्करर्स, हम जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। गिदोन बड़ा ही शक में पड़ जाता है, कहता है मैं तो सबसे छोटा कुल का हूं, मनाशे की कुल जिसमें से मैं हूं उसमें सबसे वीकेस्ट कुल है, सबसे कमजोर कुल है। ठीक है, मैं खड़ा होता हूं और जाकर मैं कहूंगा तो ज्यादा मेरे कुल के लोग सुनेंगे मेरी बात को और मुझे शायद सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरा कुल के लोग सबसे कमजोर कुल है और उसमें से भी सबसे छोटा मैं हूं। आपकी परिस्थिति को देखकर परमेश्वर आपका मूल्यांकन नहीं कर रहा है या परमेश्वर देने वाला जय का प्रेडिक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर अपना सामर्थ को देखकर आपको देख रहा है। ही सीज हिज स्ट्रेंथ एंड इज कॉलिंग यू। वो अपने बल पर आपको बुला रहा है, वो अपने नाम पर आपको बुला रहा है, वो अपने ताकत पर आपको बुला रहा है। हालेलुया। आपने किए हुए अच्छे या बुरे कामों की ताकत पर नहीं है जो परमेश्वर आपको विक्ट्री और मुझे विक्ट्री देता है, लेकिन उसके नाम के कारण, उसके बल के कारण, उसके सामर्थ के कारण, उसके अनुग्रह के कारण, वो हमें जयवंत में या फिर जयवंत से भी बढ़कर बनाकर चलाना चाहता है। हालेलुया। कुछ करो, निकल जाओ, पराजय से बाहर आ जाओ, पाप के दलदल से बाहर आ जाओ, लतों से बाहर आ जाओ, निराशा से बाहर आ जाओ, अविश्वास से बाहर आ जाओ, हर प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कमजोरी से बाहर आ जाओ, निकल जाओ, कूच करो उधर से, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। कौन बुला रहा है? मनुष्य नहीं, लेकिन आपके लिए अपना आखिरी बूंद लहू तक बहाया हुआ यीशु बुला रहा है। आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। क्यों चाहता है कि हम आगे बढ़े? क्यों चाहता है कि हम वहां से निकल जाएं, कूच करें? इसलिए क्योंकि वो चाहता है या फिर परमेश्वर चाहता है हम दूसरों के लिए आशीष का पात्र बन जाएं। He wants us to become a blessing for others. परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो कहा कि मैं तुझे आशीष का स्रोत बनाऊंगा, लेकिन आशीष का स्रोत बनने के लिए ऊर में, कसदियों के ऊर में रहकर नहीं चलेगा। हालेलुया। मेसोपोटामिया में रहने से नहीं चलेगा आशीष बनने के लिए, या फिर उस जगह पर रहने से नहीं चलेगा आशीष बनने के लिए। He will have to travel that long distance. वो विश्वास की यात्रा को उसको तय करना पड़ा आशीष बनने के लिए। जहां पर आप बैठे हैं वहां पर बैठे रहें तो आप, आपकी पीढ़ियों के लिए, आपके संतानों के लिए, आपके द्वारा और जो पीढ़ियां आएंगी उनके लिए आप आशीष नहीं बन सकते हैं। आपके देश के लिए आप आशीष नहीं बन सकते हैं, आपके राज्य के लिए आप आशीष नहीं बन सकते हैं। आगे बढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप दूसरों के लिए आशीष बने और आशीष बनने के लिए अपने ठिकाने से निकले। हालेलुया। जब हम एक जगह में बैठे रहें तो हम अपने अनुभव दूसरों को नहीं बोल पाएंगे। एक ही दिन अपने हर दिन मिलने वाले चार लोगों को अनुभव बोल पाएंगे, लेकिन जब बाहर निकलेंगे, दूसरे एक जगह जाएंगे, दूसरे एक स्थान में जाएंगे, दूसरे एक अनुभव में जाएंगे, दूसरे घर परिवार में जाएंगे, तब तो हम हर दिन अलग अलग लोगों को परमेश्वर के बारे में हम बता पाएंगे और उनके लिए हम आशीष बन सकते हैं। एक स्थान में बैठकर, एक परिवार में बैठकर, एक ही जगह में बैठकर कितने लोगों को हम यीशु के बारे में बोल सकते हैं?
हमें इसलिए बाहर निकलना है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी गवाह बने, उसका सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाएं, आपके जीवन में हुए चमत्कार दूसरों तक हम उसका समाचार दूसरों तक पहुंचाएं, यीशु मसीह देने वाले पापों की क्षमा के बारे में हम दूसरों को तक बोले, आपके उद्धार का अनुभव हम दूसरों को बोल पाए। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में 15 अध्याय और उसकी 16वीं आयत, John 15:16 में यूहन्ना क्या कहता है? तुमने मुझे नहीं चुना, यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना ने लिखा है, यीशु मसीह कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, और आगे, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, तुम जाओ और फल लाओ। इंग्लिश में लिखा है दैट यू मे गो एंड बेयर फ्रूट, उसका मतलब तुम जहां पर रोपे गए हो वहां पर फल सिर्फ नहीं लाओगे लेकिन तुम जाओगे। नियुक्त किया गया है, चुन लिया है परमेश्वर ने कि हम आगे बढ़े, हम जाएं और क्या करें, उसके फल स्वरूप हम परमेश्वर के राज्य के लिए फल लाने वाले हो जाएं। फल किसको दर्शाता है? बढ़ोतरी को दर्शाता है। एक छोटा वृक्ष, एक आम का वृक्ष जो इस साल में छोटा था अब बड़ा हो रहा है, अगले आम के सीजन में वो फल लाएगा, उसके अगले वाले आम के सीजन में ज़्यादा फल लाएगा। वो किसको दर्शाता है? ये पेड़ छोटा नहीं हो रहा है, ये पेड़ बढ़ रहा है, ये पेड़ परिपक्व हो रहा है, ये पेड़ फलदायक पेड़ है। हालेलुया। विश्वासी बनकर कलीसिया के चार दीवारों में बैठकर हम लोग बहुत सारी बातों की आलोचना कर इधर होने वाली बातों की आलोचना करते, उधर होने वाली बातों की आलोचना करते, मसीह दुनिया में होने वाली बातों की आलोचना करते, गैर मसीहों के बीच की बातों की आलोचना कर चार दीवारों को हमने सारा पाठ सिखा दिया बाइबल के। परमेश्वर कह रहा है चार दीवारी से बाहर निकलो और दूसरों के लिए यीशु का गवाह बन जाओ। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना था कि हम जाएं और फल लाएं। मत्ती 10:16, Matthew 10:16 पढ़े, मत्ती 10:16। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजने की वजह क्या है? यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हें भेज रहा हूं। हालेलुया। कैसे भेज रहा हूं? निष्कलंक, कोमल, निर्दोष भेड़ के समान। किसके बीच में? फाड़ खाने वाले जंगली भेड़ियों के बीच में। इसका मतलब क्या है? अर्थात तुम्हारे शरीर को नाश करने के लिए चाहत रखने वाले लोग, तुम्हारे जीवन से यीशु मसीह की सारे चमत्कार की निशानी को हटाकर तुम्हें घायल कर देने के लिए, तुम्हें फाड़ खाने के लिए, मसीहत को तुम्हारे घाव में ख़त्म करने के लिए, ऐसे भेड़ियों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर आपको निर्दोष, निष्कलंक और निष्पाप भेड़ के समान भेजना चाह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर भेज रहा है। किस लिए? पहाड़ से निकलने को कह रहा है, आरामदायक जगह से निकलने को कह रहा है, आपके ही कंफर्टेबल पोजीशन से निकलने को कह रहा है और भेड़ियों के बीच में जाने को कह रहा है। हालेलुया। प्रेरितों का काम 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत जरा पढ़ेंगे, Acts of the Apostles 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे जी, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की और पृथ्वी के छोर तक यीशु मसीह गवाह होने के लिए हमको कूच करने को कह रहा है। He's telling us to move on because he wants us to be the martyrs of his word, of his kingdom. परमेश्वर कह रहा है कि हम निकल जाएं ताकि हम उसके गवाह बन जाएं, साक्षी बन जाएं। कहां? हर जगह में, पृथ्वी के छोर तक। हालेलुया। आप जहां तक आपके पैरों से चलकर जा सकते हो या उड़कर जा सकते हो या यात्रा कर जा सकते हो वहां तक आप पैसे खर्च कर अपना ईंधन खर्च कर अपना ऊर्जा खर्च कर आप जाइए और गवाह बनिए, क्योंकि इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। कलीसिया चर्च,
हम लोग बहुत आरामदायक जगहों में अपनी उपवास प्रार्थनाओं को लेकर, अपनी नाइट प्रेयर्स को रहकर, अपने ही अच्छे अच्छे बातों को लेकर हम हल्लेलुया होसन्ना गा रहे हैं, जबकि परमेश्वर भेज रहा है मुझे और आपको, कूच करने को कह रहा है, हो रे बहुत अच्छा जगह है, वहां परमेश्वर ने आपके साथ मुलाकात किया होगा, वहां परमेश्वर अपना व्यवस्था आपको दिया होगा, लेकिन इसलिए दिया क्योंकि यात्रा बहुत बाकी है। The Lord is telling you to move on, brother, sister, move on. परमेश्वर आपको बुला रहा है आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। मत्ती 5 अध्याय उसका 13 और 17 आयत में लिखी हुई बात आप जानते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको 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 आपके मुंह में इतने शब्द दिए हैं या फिर सुसमाचार दिए हैं जिसके कारण आप बहुतों के जीवन में स्वाद ला सकते हैं। आपके शब्द यदि सलोना हो तो बहुतों के लिए आपका शब्द जीवन बन सकता है। योर वर्ड कैन बिकम लाइफ फॉर मेनी अदर्स बिकॉज द वर्ड दैट यू स्पीक इज नॉट योर ओन, इट्स फ्रॉम गॉड, इट्स द वर्ड ऑफ गॉड। आपका शब्द जीवन बन सकता है दूसरों के लिए क्योंकि वो परमेश्वर के शब्द है। आपको परमेश्वर ने नमक बनाया ताकि मुझे परमेश्वर ने नमक बनाए ताकि मैं स्वाद लाऊं बहुतों के जीवन में। परमेश्वर ने मुझे ज्योति बनाया ताकि बहुतों के लिए मैं उज्याला बन जाऊं। मेरे भले कामों के कारण वे लोग परमेश्वर की उज्याला मेरे जीवन में देखने के कारण परमेश्वर या फिर पिता का धन्यवाद करना शुरू करें। हालेलुया। परमेश्वर हमें विभिन्न कारण के वश कूच करने को कह रहा है। वापस बताना चाहूँगा क्यों हमें निकल जाना चाहिए, क्यों हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्यों हमें एक जगह स्थगित नहीं होना चाहिए। नंबर वन, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है, हमारा एक गंतव्य है। नंबर दो, क्योंकि हम आरामदायक जगह को छोड़कर क्रूस के मार्ग के लिए बुलाए गए हैं। वी आर कॉल्ड टू कैरी द क्रॉस। नंबर तीन, अलग अलग अनुभवों को अनुभव करने के लिए परमेश्वर हमको यात्रा करने को कह रहा है। नंबर फोर, परमेश्वर हमें विजेता बनाना चाहता है इसलिए आगे बढ़ने को कह रहा है। नंबर फाइव, उसके गवाह बनाना चाहता है इसलिए आगे बढ़ने को कह रहा है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 30 और 31 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। लूक 19:30-31। सामने के गांव में जाओ, सामने की गांव में जाओ, यीशु कह रहा है, और उसमें पहुंचते ही एक गधे का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसे खोल देना क्योंकि वो बंधा हुआ अच्छा नहीं दिखता है। उसको खोल देना क्योंकि वो एक ही जगह खड़े हुए अच्छा नहीं दिखता। उसको खोल देना क्योंकि वो एक उपयोगी जानवर है लेकिन किसी ने उसको बांध कर डाल दिया है। यीशु मसीह आगे क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इस बंधा हुआ बच्चे का प्रयोजन है। The Lord needs this colt. Hallelujah. संसार ने बहुत आपका उपयोग और दुरुपयोग किया। अब परमेश्वर कहता है उस बंधन से मैं खोलने जा रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर को या फिर प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन से प्रयोजन है। The Lord wants to use you. हालेलुया। इसलिए एक जगह पर रुकने की प्रार्थना मत करो। प्रभु यहीं पर मुझे आशीष दो करके प्रार्थना मत करो, यहीं पर मुझे टिका दो करके प्रार्थना ना करो, यहीं पर मुझे स्थापित कर दो करके प्रार्थना ना करो। ये संसार एक तात्कालिक जीवन है, यहाँ पर हमारा नित्य वास नहीं है। हमें आगे बढ़ना है। जब तक ये संसार में है तब तक परमेश्वर मुझे प्रयोजन का एक पात्र बनाना चाहता है, एन यूजफुल इंस्ट्रूमेंट। क्या आप उसके लिए समर्पण करने के लिए तैयार है? आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रयोजन का पात्र बनाया हुआ मुझे, हम सबको। कई बार हम अपने ही कंफर्ट जोन में, आरामदायक जगहों में बैठकर वहीं पर अपने जीवन को स्थापित करना चाहते हैं, स्थगित होना चाहते हैं, टिक जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रभु, नए अनुभवों के लिए, अपनी पीढ़ियों की आशीष के लिए, मुकाम पर पहुंचने के लिए, क्रूस उठाकर चलकर दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए,
विजेता बनने के लिए, ओ एक गवाह बनने के लिए हम आज कूच करना चाहते हैं, अपनी जगहों को छोड़कर, धूल झाड़कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया, बर्तिमाई के समान बहुत दिन हो गए भीख मांगते मांगते, हालेलुया, बहुत दिन हो गए आशीष की भीख मांगते हुए, अब हम दूसरों के लिए आशीष बनना चाहते हैं। हमारी आत्मिक नेत्र को खोल दे मेरे प्रभु यहोवा, कि अब हम अपने अपने आत्मिक आंखों से देखकर दूसरों के लिए हम परमेश्वर आशीष का पात्र बन जाएं, प्रयोजन का पात्र बन जाएं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद राजा मेरे यीशु, धन्यवाद करते राजा, हमें फिर एक और बार जागृत कर दे, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपको आशीष दिया है। हम प्रेयर रिक्वेस्ट लाइव में नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर, हम ज़रूर आपके नाम बनाम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ज़रूर अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे हाथ में कोई विशेष सामर्थ है, लेकिन इसलिए क्योंकि हम जिस परमेश्वर को पुकार रहे हैं, आप जिस परमेश्वर को पुकार रहे हैं, हमारा परमेश्वर आज मुर्दा नहीं, वो जीवित है, वो सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, विश्वास के साथ आइए हम दोनों मिलकर जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट आप डालेंगे, डाल दिए हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आकर आपके बच्चों की ज़रूरतों के लिए हम प्रार्थना करते राजा, चाहे वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना हम प्रार्थना करते हैं। इन आशीषों को पाने के बाद हालेलुया, हम सब प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए पवित्र और निष्कलंक जीवन बिताने वाले, परदेशी के समान विश्वास की यात्रा को बढ़ाने वाले, यीशु मसीह के दूसरे आमद के लिए तैयार होने वाले हो जाएं, मदद कीजिए। जितने लोग आज इस मैसेज को सुन रहे हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम उन्हें आशीष देते हैं, तेरी आशीष उनमें बनी रहे परमेश्वर पिता। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना ग्रहण कर पिता, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दूसरे आमद तक हमेशा सबके साथ होती रहे। सब बोले आमीन आमीन। हालेलुया, सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। संडे स्कूल का क्लास इसी समय रिलीज किया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। आपके बच्चे जो 10 साल और उससे नीचे हैं, उनको देखने के लिए बताइएगा, परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। थैंक यू जुटने के लिए। इसी तरह हर संडे हम लोग एक संदेश और थोड़ी आराधना का समय आपके साथ बिताएंगे। अपने अपने कलीसियाओं में ज़रूर जाइएगा, परमेश्वर की आराधना कीजिएगा। लॉकडाउन की परिस्थितियाँ बदल गई हैं, अब आप लगभग 100 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक दूसरे को साथ संगति कर सकते हैं। जितना हो सके एक दूसरे को मिलना ना छोड़े, संगति करना ना छोड़े। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।